पूंजीपतियों की हितैषी है। भाजपा की सरकार आफताब आलम बसपा प्रत्याशी लोकसभा डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर लोकसभा डुमरियागंज के भावी प्रत्याशी आफताब आलम आए दिन जनता के दिलों छाते नजर आ रहे। जगह जगह जनसभा गोष्ठी करने व गरीब असहाय की मदद करने में गर्म कपड़े बांटने में जुट गए। इसी कड़ी में नौगढ़ ब्लॉक के कापिया मिश्र में एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सांसद पिछले 10 सालों से अब तक जिले को केवल लूटने का काम किया, जनपद का विकास नहीं विनाश हुआ, इसीलिए पार्टी में इनको कोई जगह नहीं मिली। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा का दामन थामा है। जो व्यक्ति पार्टी का नहीं वह जनता का क्या भला करेगा, इतना ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार पूंजीपतियों की हितैषी है, ठेकेदारों के हित में काम करती, जिससे केवल कंपनी के मालिक की ओर अग्रसर है, न कि जनता के लिए काम करती। अब चाहे फ्री बिजली कनेक्शन हो या गैस कनेक्शन, इससे तो केवल कंपनी का फायदा है, न कि जनता। चूंकि हर घर में कनेक्शन से इनका अरबों का खजाना भरेगा और जनता मिटती जाएगी। सर, भाजपा की सरकार ठेकेदारों की सरकार बताया जा रहा है, ऐसा कहूँ? देखिए, ये तो पूरी देश की जनता देख रही है कि आज ग्राम पंचायत स्तर पे आम जनता बहुत परेशान है, क्योंकि ठेकेदारों की इसलिए आम जनता की आवाज़ निकल रही है कि मोदी जी 52 देश का दौरा किए, जिन देशों में गए वो अनिल अंबानी, अडानी और मुकेश अंबानी, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को ठेका दिलवाने से लेके इनको बिजनेस का बढ़ावा दिया इन्होंने। जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी 25 सालों पीछे चली गई है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे रेरा डेवलप किया इन्होंने, और इसीलिए लोगों की आवाज़ है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश मुख्यमंत्री सब ठेकेदारी प्रथा की दिशा में। सर, ये बताइए कि आज अखबारों के माध्यम से अमित शाह कहते हैं कि मंदिर का मुद्दा बुआ और बबुआ बताएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मंदिर का मुद्दा उन्होंने ही जो है हर बार जो है वो फोर्स करते रहते हैं, जब चुनाव आता है तब उनको मंदिर याद आता है। आज बताइए, पूरे देश में कोई एक आदमी कोई विरोध करता हो बता दें, जब न्यायपालिका में है और सुप्रीम कोर्ट में है तो ये आम जनता जानती है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मानना चाहिए। ऐसी दशा में कभी सराहनीय ठोस कदम तो उन्होंने पैरवी किया नहीं, जब इलेक्शन आ गया तो मंदिर की याद आती है। ये जनता पूरी तरह समझ रही है कि इनका दिखलावापन है। सर, यहाँ के लोगों का, सर वर्तमान समय चुनाव आने वाला है और सपा प्रत्याशियों का ब्लेम है भाजपा सरकार पर कि भाजपा की जो सरकार वो ठेकेदारों की सरकार, ठेकेदारों के पक्ष में अधिकतम काम करती है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपा बसपा के जो विधायक थे, सांसद थे, खुलेआम ठेकेदारी में संलिप्तता थी। 35 साल के सार्वजनिक जीवन में भी सांसद हूँ इस क्षेत्र का। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि किसी इंजीनियरिंग विभाग के किसी एक्सीएम के दफ्तर में आज तक गया हूँ, किसी में मैं मेरे परिवार का कोई व्यक्ति ठेका करता हूँ, आपको आपके उन आरोप लगाने वालों को चुनौती देता हूँ, या तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँ और या तो सार्वजनिक जीवन से वो संन्यास ले लें, चिट्ठी भर पानी नहीं पाए। भाजपा के चरित्र पर हाथ उठा सकते हैं, जगदम्बिका पाल हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ, आपको ये नहीं नज़र आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब से आए तब से टेंडर होने लगा है? नहीं तो पहले सेटिंग होती थी सपा की सरकार में, मैनेजमेंट होता था, नहीं होता था। एक आज आप जाके ठेका पा सकते हैं, टेंडर डालिए। पहले कोई वही पाता था जिसको विधायक चाहते थे, जिसको सरकार चाहती थी, लखनऊ से तय होता था किसको टेंडर मिलेगा। ये सरकारें थी, लड़कियाँ गरीब, घरों में शादियाँ होती थी 5,000-10,000, अधिकतम 20 था। 20 में जो शादी का विवाह का अनुदान मिलता था उसमें 5,000 कमीशन ब्लॉक ले लेता था, जिला ले लेता था, और चक्कर 2 साल लगाते थे। अभी 1 साल के अंदर उस 20 को 35,000 किया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। आज हर ब्लॉकों पे सामूहिक शादी हो रही, अभी मैं सोहरतगढ़ की शादी से आ रहा हूँ और अभी 50 नौगढ़ में सामूहिक शादियाँ हो रही। उस 31 को भी अब 51,000 कर दिया, 35 को अब 35,000 उन गरीब बच्चियों के खाते में जाएगा, 10,000 का पायल जेवर, पंखा और बक्सा बेड मिलेगा और व्यवस्था होगी। तो मैं कहता हूँ संवेदनशील सरकार कौन हो सकती है? बहन जी बहुत गरीबों की बेटी है, बहन जी के ज़माने में गरीब बच्चियों की शादी का कितना अनुदान था जरा बता दें। तो मैं समझता हूँ कि ये बौखलाहट है, इसलिए ममता घर में बैठ रही हैं, बौखलाहट है तो इसलिए अखिलेश और मायावती का गठबंधन हो रहा है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की भी रक्षा नहीं होगी।